किसी ने मरकस नौबा पढ़ के बड़ी गहराई से मुताया करके यसुमसी की जात पे एक सवाल उठाया है उनके एक सवाल पे ए किया है हम आज उसका जवाब देंगे अगर आप मुझे दो मिनट दे दें तो मैं आपको सवाल की तफसील बताता हूं यह एक ऐसा सवाल है जो बाजुकात हमारी नज़र ही नहीं पड़ती उस पर इंसान बस पड़ जाता है उसे नजर ही नहीं आता उसके सोच में ये बात नहीं आती कि ओ क्या यह भी कोई सवाल हो सकता है मरकस नौ बाप में हो ये रहा है कि यसुमसी तीन शागिर्दों को लेके पहाड़ पे चले जाते हैं और नौ शागिर्द नीचे हैं अच्छा पहाड़ पे तो माहौल बहुत खूबसूरत है पतरस याकूब और योहना युमसी के साथ है मूसा और एलिया भी उधर मौजूद हैं और सारा माहौल जो है उस पर आसमानी बात पर कंट्रोल है और वो आवाज़ आती है कि यह मेरा प्यारा बेटा है इससे मैं बहुत खुश हूँ लेकिन ज़मीन पर कुछ और ही हो रहा है वहाँ पे एक बाप है जो अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है पहाड़ पे आसमानी बाप जो है उनकी मौजूदगी ने सारे माहौल को खूबसूरत बनाया है और नीचे एक डीमन ने शैतान ने माहौल को खौफ सदा किया है अब होता यूं है कि यसुम सी जब पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि फकीर जो है वो उनके शागिदों के साथ बहस कर रहे हैं और जब यसूसी वहां पे पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं कि तुम इनसे क्या बहस करते हो अच्छा अब ना तो शागिर्द जवाब देते हैं और ना फकीर जवाब देते हैं ये वर्ष सेवनटीन है लिखा है कि और भीड़ में से एक ने जवाब दिया कि उस्ताद मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था और वह जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीता पीसता और सूखता जाता है मैंने तेरे से कहा कि वो इसे निकाल दे मगर वो ना निकाल सके यसुमसी जब पूछता है कि क्या बहस हो रही है फकीर तो इसलिए जवाब नहीं देते क्योंकि एक तो दफा उन्होंने माजी में यसुमसी से बहस की है तो कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला उनको मुंह की खानी पड़ी वो शर्मिंदा हुए पब्लिक में और शागिर्द शायद इसलिए खामोश थे क्योंकि वो बदरू निकाल नहीं सके हालांकि इससे कुछ बात पहले आप पढ़ें यसुमसी ने इन शागिर्दों को इख्तियार दिया था कि नापाक रूहों को निकालें और उन्होंने निकाली भी थी अब यहां पे भीड़ में से ये एक बंदा जो है ये कहता है कि मेरा बेटा तो ये एक बाप है जो परेशान है अपने बेटे की वजह से अच्छा यसुमसी का जवाब देते हैं वो कहते हैं कि ए बे ए मैं कौन कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा उसे मेरे पास लाओ अच्छा अब वो उसके पास लाते हैं यसूअल मसीह के पास अब होता यूं है कि अब जो ये डीमन है शैतान है ये उस बच्चे के थ्रू जो है चूंकि उसके अंदर है यसुमसी को देख सकता है जब उसकी नजरें यसुमसी के साथ टकराती हैं तो वो फिर अपने एक्शन में आ जाता है और वो इधर स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि उसने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और उसके मुंह से झाग निकलने लगी और यसुमसी ने उसके बाप से पूछा कि ये इसको कितनी मुद्दत से है ये है सवाल कि बेटा इतनी तकलीफ में मुबतला है बदरू से तंग कर रही है पटख रही है तो यसुमसी ने यह क्यों पूछा किसको यह मसला कितनी मुद्दत से है यह बड़ा सादा सा सवाल है लेकिन इसकी गहराई देखें साल का हो पांच साल का प्रॉब्लम हो दस साल का हो आपके लिए क्या मसला है आप तो खुदा के बेटे हैं आप तो कुछ भी कर सकते हैं तो यही सवाल पूछा गया है कि जी इस सवाल का यहां पे जवाब क्या बनता है हम इस सवाल का जवाब देंगे लेकिन आगे एक और बात है वो आप गौर से सुने वो बाप बताता है कि बचपन ही से और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे लेकिन अगर कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खा हमारी मदद कर वो बाप ये नहीं कह रहा कि मेरी मदद कर या मेरे वो कह रहा है हमारी मदद कर हम पर तरस खा असल में वो अपनी पूरी फैमिली की बात कर रहा है मां का जिक्र नहीं है लेकिन वो बाप बताना चाह रहा है कि हमारा पूरा खानदान जो है वो इस दुख से इस तकलीफ से इस मुसीबत से गुजर रहा है वो बताता है कि उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला कि ये जो डीमन है शैतान है उसके अंदर वो उसको बड़ी देर से बचपन से हलाक करने की कोशिश कर रहा है और ये बाप पता नहीं इसने पूरी जिंदगी सुकून में बेचारे ने गुजारी भी है कि नहीं कोई इसको सुकून का लम्हा आ, मिला भी है कि नहीं उसकी माँ ने कितना दुख उठाया है वो कह रहा है कि अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारी मदद कर और यसूमसी उसको कहते हैं ने क्या कहा अगर तू कर सकता है जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है और वो फिलफॉर जो है वो चिल्लाकर बाइबल में लिखा है वो चिल्लाकर कहता है मैं इतकाद रखता हूं मेरी बेतकादी का इलाज कर और यसुमसी उसको ठीक कर देते हैं अब हम आते हैं सवाल पे वापस कि यसुमसी ने उसे क्यों पूछा कि इसको ये प्रॉब्लम कब से है तो बात यह है कि यसुम के लिए उससे ठीक करके जाना कोई मुश्किल काम नहीं था उन्होंने ठीक किया भी एक लम्हा लगा उन्होंने उनको उन्होंने उस पद को कहा इससे निकल आ और वो निकल आई और वो लड़का ऐसे हो गया जैसे मुर्दा सा हो गया क्योंकि उसने बड़ा उसको पटखा था उसको मरोड़ा था तो यसुम ने उसका हाथ पकड़ के उठा लिया वो ठीक हो गया सिंपल कोई बड़ा मसला ही नहीं है लेकिन यसु मसीह जो है वो लोगों को तसली देते हैं देखें बच्चे में तो बदरू थी वो तो मसला है लेकिन इस बाप ने सारी उम्र ये दुख सहा है यसुम सी ने आज इस मौजे की बात कर रहा हूं कि उसे मौका दिया कि वो अपना दुख जो है वो बयान कर सके आपने बहुत दफा आप बूढ़ी औरतों को सुना होगा वो कहती हैं कि डॉक्टर ने मेरी बात कोई ध्यान से नहीं सुनी हालांकि डॉक्टर दवाई भी दे देता है इलाज भी कर देता है लेकिन एक दिल में बात रह जाती है कि मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं गई और ये शिकवा आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग करते हैं कि हमारी बात को गौर से सुना नहीं गया इधर भीड़ लगी हुई है और यसुम उस बाप को मौका देते हैं कि वो अपना दुख कह ले बहुत इंपॉर्टेंट है यसुमसी पर्सनली लोगों की बहुत केयर करते थे और अब भी करते हैं हर शख्स उनके लिए अजीज है उन्होंने इतनी भीड़ में एक बाप को मौका दिया कि वो अपने दिल का हाल अपना दुख दर्द जो है कह सके यसुमसी ने उसका दुख जो है वो बांट लिया है ठीक करके चले जाना कोई बड़ी बात नहीं थी यही के लिए अमेरिका में जो फायर डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि जब कोई हादसा हो जाता है यहां पे जब अक्सर गाड़ियां टकरा जाती हैं आपस में लोग जख्मी हो जाते हैं कुछ सड़क पे होते हैं तो उनको हदायत की होती है कि जब आप उधर पहुंचे तो लोगों की बात गौर से सुने वो कहते हैं कि जब लोग अपनी कहानी सुनाते हैं अपने दिल का बोझ बयान कर लेते हैं तो ये उनको अंदर से हील करना शुरू कर देता है उनके दिल का बोझ हल्का हो जाता है दूसरी बात फायर डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि सिर्फ उन्हीं को झटका नहीं लगा होता जिनके साथ हादसा हुआ होता है बल्कि जो लोग उस हादसे को देखते हैं वो भी एक अजीब से करब से गुजरते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं यार आज मेरा कुछ मूड ठीक नहीं है मैंने आज एक हादसा देखा है मैंने किसी का लहू देखा है मैंने किसी का कटा हुआ हाथ देखा है पता नहीं क्यों वो मेरी आंखों के सामने से नहीं जाता तो जब लोगों को हादसा बयान करने का मौका दिया जाता है वो अपने दिल की बात कह लेते हैं तो उनका बोझ जो है वो हल्का हो जाता है तो यसुमसी ने यहां पे सिर्फ बाप को बेटे को ही नहीं बाप को भी शिफा दे दी है दोस्तों लोगों को गौर से सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है माँ बाप औलाद से शिकवा करते हैं औलाद माँ बाप से शिकवा करती है बहन भाई और साथ साथ तालबिल्म सबको यही शिकवा है कि कोई ध्यान से बात नहीं सुनता सब लोग अपने कंप्यूटर्स पे, अपने फोन्स पे, अपने मामलात में मसरूफ रहते हैं लेकिन यसुमसी इस मुआवज़े के जरिए देखें कितनी देर पहले कई सदियां पहले यह मुआवजा हुआ और आज यसुमसी की जो मिसाल है वो हमारे लिए मिसाल है कि हम दूसरों को सुने और सिर्फ सुने ही ना बल्कि उनके लफ्ज़ों के पीछे जो मतलब है या उनके जज्बात हैं उनको सुने और रहम दिली से और मोहब्बत से सुने दोस्तों आज का प्रोग्राम इतना ही था कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा करना है रैो पाथ ये लिखा हुआ है मुझे पता नहीं कि ये उनके किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है या उनका अपना नाम है फिर है एजाज इकबाल साहिब, शर्मीन शाह हर्बर्ट पॉबर और प्रोफेसर आरफ नकीब दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा हैप्पी फादर्स डे दुआओं और वफाओं के साथ आपका दोस्त आपका भाई आसिम खन्ना